मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। स्टूडेंट्स जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बट उनके आइट्स में 6 बैंड्स ईच नहीं आ रहे। काफ़ी बार बच्चे ट्राई कर चुके हैं, आइट्स में 6 ईच नहीं आ रहे। कभी एक मॉड्यूल में 5.5 रह जाता है, कभी दूसरे मॉड्यूल में 5.5 रह जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, किस तरीके से अपनी फाइल लगाएं जिसमें वीज़ा सक्सेस रेट हाई हो और जो आपके आपके जो सक्सेसफुली आप वीज़ा ले सकें और किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ले सकें जिसमें कि आपको वर्क राइट्स भी साथ में मिलें स्टडी के बाद, बजाय कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ट्राई मारने वाली बात करें। देखिए, अगर आपके 5.5 एक या दो मॉड्यूल में हैं तो ये सोच के चलिए कि आपका केस जो है वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस सिचुएशन में आप दो तरीके के कंसल्टेंट्स के पास अप्लाई करते हैं। पहला वो कंसल्टेंट रहेगा जो कि आपको बोलेगा कि प्राइवेट कॉलेज में आप इसको पैकेज में कर दीजिए, ताकि लाइक अगर उनको इस तरीके से आपको पेश किया जाएगा केस को कि अगर लगेगा तो भी ठीक है, नहीं तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो आपको ये बोला जाएगा कि GIC आप कर दीजिए और बाकी जो 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 जो, जो फीस वगैरह भरने का काम या तो उनकी कंपनी करेगी या फिर उसके लिए भी आपके साथ लाइक फंड शो करने की बात करेंगे कि फंड शो वगैरह शो करके हम लगा देंगे, जब वीज़ा ग्रांट होगा तो आपको पेमेंट करनी है, तो लाइक इस कंडीशन में आपको लेके जाएंगे। देखिए, आपका केस तो पहले ही कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर बाकी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं बट आइट्स में आपके एक में 5.5 है तो केस आपका कमज़ोर है। तो उसको हमने और कमज़ोर नहीं करना है, उसको स्ट्रांग करना है। तो कमज़ोर करने के तरीके ये हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज दिया जाए या ऐसे कॉलेजेस दिया जाए जो एक में या दो में 5.5 एक्सेप्ट करते हैं, आपका वीज़ा अप्लाई किया जाए और जो उसमें सक्सेस रेट जो आपका रहेगा 5 से 10% से ज़्यादा नहीं रहेगा। वो टुक्का ही है, बस समझ लो कि बाई चांस वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि यार चलो दे दो या मूड अच्छा है या कुछ भी लगा दो कि आपको बाई चांस वीज़ा आ जाए तो क्या कहना, बट उसमें कोई चांस है नहीं है वीज़ा का। दूसरा तरीका इसमें क्या रहेगा कि आपका केस स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब नेचुरली बात है कि अगर केस कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें उसको और कमज़ोर नहीं करना। तो वो कैसे होगा, देखिए कई केसेस में क्या होता है कि बच्चे ने आईएलटीएस में 6 ईच तो नहीं आ पाए बट एक में रीडिंग में फॉर एग्जांपल 5.5 रह गए, उसने दोबारा एग्जाम दिया उसमें उसके राइटिंग में 5.5 रह गए, रीडिंग में 6 आ गए। तो ऐसे केस में अगर आप कोई कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई करते हैं जो आपको एक में 5.5 पे आइट्स में आपको एक एडमिशन दे देता है, आप उसमें अप्लाई करते हैं, नॉन एसडीज की फाइल आपकी बनेगी नो डाउट, बट साथ में अगर आप अपने कंबाइंड स्कोर्स लगा देते हैं आइट्स के, आपके जो भी आपके लाइक दूसरे मॉड्यूल में जिसमें आपको रीडिंग में ये जो 5.5 से 6 हो चुके हैं तो वो भी आप साथ में लगाते हैं और एक एक्सप्लेनेशन लगाते हैं कि सी आई हैव गिवन माई टेस्ट सो टेक्निकली स्पीकिंग आई हैव 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल, तो ये काइंडली आप कंसिडर कीजिए। तो अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स ओवरऑल 60%+2 में 60% से ज़्यादा रहे हैं कोई लाइक किसी भी आपने बोर्ड में +2 करी है, तो ये चीज़ें आपको एक एक जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात कहें या एक एक कंपैशनेट ग्राउंड्स की तरफ ले जाती है कि ठीक है आपकी इंग्लिश के मार्क्स भी अच्छे हैं, आपने आइट्स एक बारी किया तो उसमें 5.5 1 रहेगी, दूसरी बारी में आप कवर कर चुके हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में देता ही देता है वीज़ा ऑफिसर और उसको कंपैशनेट ग्राउंड्स में लेके कंसिडर करके उसको उस पर वीज़ा दिया जा सकता है। तो दिस इज़ बेटर देन अप्लाइंग इन ए प्राइवेट कॉलेज और अप्लाइंग इन लो लाइक सक्सेस रेट कॉलेजेस। तो अच्छी बात ये है कि आप उसको अच्छे किसी कॉलेज में SDS कॉलेज में अप्लाई करते हुए साथ में ये आप स्कोर साथ में लगाएं। दूसरा तरीका अप्लाई करने का आइट्स में एक में 5.5 पे या PT स्कोर्स के साथ, दूसरा तरीका ये है कि आप बैचलर या मास्टर्स अप्लाई करिए यूनिवर्सिटी में और साथ में दीजिए EAP इंग्लिश फॉर अकेडमी पर्पसेस या ESL, कई कई यूनिवर्सिटीज को ESL कहती हैं, कई EAP कहते हैं। ESL का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। तो इसमें क्या है कि आपको एक इंग्लिश का प्रोग्राम साथ में लगा देती है यूनिवर्सिटी और ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको ऑप्शन मिलेगी, कॉलेज में ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको।
तो यूनिवर्सिटी में जो है, तो आप अगर ESL प्रोग्राम या EAP प्रोग्राम, जो कि आपका हो सकता है कि 3 से 4 महीने का आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी पहले, उसके बाद आपको बैचलर या मास्टर में पढ़ाई आगे कंटिन्यू की जाएगी। तो एक पैकेज ऑफर लेटर आती है, पैकेज LOA आता है इसमें। तो इसमें कोई ये नहीं है कि पहले आपने इंग्लिश पढ़ने जाना है, उसके बाद आपको जब वो पास करोगे उसके बाद आगे एडमिशन मिलेगी या जो भी है, नहीं। इसमें इकट्ठे वीज़ा अप्लाई होएगा, इकट्ठे ही LOA आएगा, इकट्ठे ऑफर लेटर आएगा, सब कुछ इकट्ठे ही होगा। तो इसमें फर्स्ट बारी में ही सारा कुछ होगा। तो ऐसे केसेज हमने काफ़ी किए हैं जिसमें, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स के केसेज हमने काफ़ी किए हैं जिसमें ESL लीडिंग टू MBA हमने दिया या मास्टर दिया, या फिर +2 में जिसमें मार्क्स कम है तो ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज लीडिंग टू बैचलर डिग्री। तो ये यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा, कॉलेजेस में ये प्रोग्राम नहीं मिलते। ज़्यादातर जो कंसल्टेंट्स हैं कॉलेजेस में काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ का आइडिया नहीं होता कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे काम करती हैं। तो पहले भी आपने सुना होगा 2016-17 में आपने काफ़ी वीज़ाज़ देखे होंगे जिनमें 5.5 बैंड पे भी वीज़ाज़, बहुत वीज़ाज़ ग्रांट हुए थे कैनेडा के। तो उसमें क्या था, उसमें भी यही प्रोग्राम था कि ESL प्रोग्राम था, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर डिग्री। यूनिवर्सिटी में बच्चे का अप्लाई हो रहा था और वीजा ग्रांट हो रहा था। तो यूनिवर्सिटी सेक्टर हमेशा एक एक ऐसा सेक्टर रहता है जिसमें कि एप्लीकेशन कम जाती हैं और उसमें सक्सेस रेट काफी हाई जाता है। बट यूनिवर्सिटी सेक्टर्स का ज्यादातर कंसल्टेंट्स को काम करना नहीं आता है, कुछ ही अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी सेक्टर का काम करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सबसे कम सक्सेस रेट प्राइवेट कॉलेजेस का आता है, सेकंड नंबर पे SDS का आता है, और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आता है यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री रिक्वायरमेंट्स हाई होती हैं। जहाँ एंट्री रिक्वायरमेंट्स बच्चे की हाई जो मीट नहीं कर पाता, तो उसमें अगर इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहा तो ESL या EAP प्रोग्राम लगाती है यूनिवर्सिटी, और अगर अकेडमिक क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाता तो फाउंडेशंस, +2 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशंस, और बैचलर जिन्होंने करी हुई है उनके लिए प्री मास्टर्स का कोर्स यूनिवर्सिटीज देती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या आप कोई भी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ESL प्रोग्राम भी हर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और प्री मास्टर्स और फाउंडेशन प्रोग्राम भी हर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो उसके कारण क्या है, यही कारण है, एक्सप्लोर करने की बात है। अगर कंसल्टेंट सही तरीके से लाइक यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स को और उनकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे तो वो ऑप्शंस आपके साथ आपके केस पे एप्लीकेबल करे तो आप सक्सेस रेट ले सकते हैं वीजा का। तो वही केस है, 6 बैंड ओवरऑल है, 1 में 5.5 है, +2 करी है बच्चे ने, और एक जगह वो अप्लाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में ESL प्रोग्राम के साथ लीडिंग टू बैचलर डिग्री, और एक वही बच्चा एक प्राइवेट कॉलेज में विदाउट वर्क परमिट वाले कॉलेज में अप्लाई कर रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसमें सक्सेस रेट आना चाहिए किसमें नहीं आना चाहिए। एक तो केस आपका पहले ही कमजोर है, ऊपर से उसको प्राइवेट कॉलेज में डाल के आपने उसको बिल्कुल ही लाइक मरे हुए हालत में बना दिया, और कहाँ उस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने यूनिवर्सिटी की एडमिशन डाली, साथ में ESL प्रोग्राम दिया या फाउंडेशन और प्लस प्री मास्टर्स का कोर्स दिया। तो दोनों केसेज में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अभी रिसेंटली हमने एक वीजा दिया जी, बच्चे का PT स्कोर था 57, तो उसमें 57 का अगर हम कंपेयर करें आइट्स के साथ तो 6 बैंड्स बनते हैं। तो ऐसे केस में आइट्स का स्कोर या इक्विवेलेंस भी कम बनती है, फिर बच्चे के परसेंटेज भी ग्रेजुएशन में कम थे। तो हमने उसमें क्या किया कि हमने उसको ESL दिया बच्चे को 3 महीने का, प्लस प्री मास्टर्स 4 महीने का प्री मास्टर्स दिया, प्लस मास्टर्स कोर्स दिया, यानी कि दो प्री रिक्विजिट लग गए बच्चे के, पहले इंग्लिश का कोर्स ESL प्लस प्री मास्टर्स लीडिंग टू मास्टर्स। तो टोटल उसका प्रोग्राम कोई 3.5 साल का बन गया। तो 3.5 साल के ये पैकेज ऑफर लेटर के साथ हमने अप्लाई करा तो बच्चे का अप्रूवल आ गया। तो बच्चे को खुद को उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरे PT का स्कोर भी मेरा अच्छा नहीं है और मेरा एकेडमिक स्कोर भी अच्छा नहीं है तो मेरे को तो यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं, मेरे को तो कॉलेज में जाना चाहिए और कॉलेज मिलेगा। ज़्यादातर उसको प्राइवेट कॉलेजेस की ऑप्शन दे रहे थे, आप जी चलो जी क्यूबेक में चले जाओ, मॉन्ट्रियल में अप्लाई कर दो, या फिर टोरंटो वैनकूवर के प्राइवेट कॉलेजेस में आप डिप्लोमा कोर्स दे देते हैं जी, उसमें रिस्क नहीं है, कल को आपको फीस नहीं फंसेगी ये वो। भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो, फीस कहीं पे भी नहीं फंसती, सारी जगह रिफंडेबल होती है फीस। बात फीस का तो मामला ही नहीं है, बच्चे के लिए खर्चे का मामला नहीं है जिसने कनाडा में जाना है, क्योंकि उसके पास बजट बहुत स्ट्रांग है। बट कहानी यही है कि कैसे अप्लाई किया जाए जिसमें वीज़ा ग्रांट हो। इस केस में अराउंड $4,500 का उसका इंग्लिश का कोर्स लगा, फिर प्री मास्टर्स जो थी अप्रॉक्सीमेटली $8,000 की प्री मास्टर्स लगी लीडिंग टू मास्टर डिग्री। तो पैकेज ऑफर लेटर अप्लाई किया,
पैकेज हमने लाइक वीज़ा जो अप्लाई किया उसमें सारी एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे इंग्लिश के मार्क्स कम होने के कारण मैंने ESL प्रोग्राम ऑप्ट किया है, कि बजाय कि इंग्लिश में यहाँ पढ़ूँ मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा तो मुझे वहाँ का एक्सेंट समझ आएगा, वहाँ की मुझे मुझे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मुझे असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, सब कुछ है वो इंग्लिश के प्रोग्राम में मुझे सिखाया जाएगा। प्लस जो प्री मास्टर्स मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि जो मास्टर्स प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ आगे उसके लिए मेरे फाउंडेशंस बन जाएंगी, जो मेरे तीन सब्जेक्ट्स मेरे को वहाँ पे प्री मास्टर में पढ़ाए जाएंगे, तो वो सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे फाउंडेशंस क्रिएट करेंगी मेरी मास्टर्स के लिए, और मास्टर्स डिग्री मैं इजीली कर पाऊंगा। तो इंग्लिश मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है कनाडा में जाके, रैदर कि मैं इंडिया में उसको इंप्रूव करूँ, मैं कनाडा के इंग्लिश इन्वायरमेंट में उसको इंप्रूव करूँगा। प्लस मैं प्री मास्टर्स मास्टर्स की फाउंडेशन के लिए करूँगा, उसके बाद मैं मास्टर्स करूँगा ताकि मैं एक सक्सेसफुली डिग्री भी कंप्लीट कर सकूँ और उसको समझ भी सकूँ और अच्छे से उसको अब्जॉर्ब कर सकूँ अपने, और करके उसके बाद जो मेरा करियर इंडिया में आके बनेगा मास्टर्स के बाद वो बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसी चीज़ को दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है कमज़ोर केस को, एक तो उसमें जान डालनी है और एक उसमें से जान निकालनी है जो बची हुई है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें कि बजट का अगर आपका नहीं है कोई मामला तो लाइक ESL लीडिंग टू बैचलर दीजिए, फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर दीजिए, ESL लीडिंग टू मास्टर दीजिए, या फाउंडेशन लीडिंग टू मास्टर दीजिए, बिल्कुल सूटेबल बनता है। आपने ये चीज़ें बहुत कम सुनी होंगी कि ESL लीडिंग टू बैचलर होता है, फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर या प्री मास्टर्स भी होती है। देखिए ज़्यादातर कॉलेजेस में ही अप्लाई करते हैं कंसल्टेंट्स, आपको बोलेंगे आपको जी परसेंटेज कम है, आपके बैंड कम है, आप ऐसे करो जी कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स ले लो किसी भी SDS कॉलेज में, ये वो। देखिए वो सब ठीक है, बट बात ये नहीं है कि ठीक क्या है गलत क्या है, बात ये है कि हमारा वीज़ा कैसे लगेगा, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा केस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, दैट इज़ द पॉइंट। तो उस पॉइंट पे काम करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी का सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेक्टर का जो वीज़ा सक्सेस रेट होता है ज़्यादा हाई आता है। उसके साथ हमने हमने यूनिवर्सिटी मास्टर्स या बैचलर लेने के लिए अगर हमें प्री मास्टर्स या फाउंडेशन या ESL लेना पड़ जाए उसमें कोई गलती नहीं है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम एक सक्सेसफुली वीज़ा दे सकते हैं आपके कमज़ोर केस के साथ। तो अगर आपके बैंड स्कोर कम है या PT किया हुआ है या किसी में IELTS में 1 में 5.5 आ रहे हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 6.5 बैंड है, 1 में 5.5 है, या PT के साथ आप मास्टर्स की फाइल लगाना चाहते हैं, ज़रूर हमारी कंपनी को कांटेक्ट कीजिए। हम बताएंगे किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में आपको ऑफ़र देगी, कितना फीस स्ट्रक्चर आएगा, और किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी के नाम पे वीज़ा दे सकते हैं रैदर देन अपनी प्रोफाइल पे वीज़ा देने के। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।